नमस्कार, मैं हूँ सूरज प्रधान और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सूरज प्रधान फॉर यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंगल फोन को अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में इंस्टॉल करना सीखा था और साथ ही हम लोगों ने कुटी डेब और मंगल फोन में क्या क्या डिफरेंसेस है यह भी जाना था। आज हम सीखेंगे हम अपने टाइपिंग स्पीड को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ आपकी टाइपिंग की गति और सटीकता में सुधार के लिए 5 युक्तियाँ पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। पहला, टाइपिंग करते वक्त हमें अच्छी मुद्रा बनाकर बैठना चाहिए। दूसरा, टाइपिंग करते वक्त अपने हाथों को एक आरामदायक स्थिति में रहने दें। तीसरा, सही प्रारंभिक स्थिति का प्रयोग करना चाहिए। सही तरीके से उंगलियों को कीबोर्ड में रखने का अभ्यास करना चाहिए। चौथा, टाइपिंग करते वक्त अपने हाथों को बार बार नहीं देखना चाहिए। पांचवा, अपने टाइपिंग कौशल का अभ्यास नियमित करते रहें ताकि आपके टाइपिंग की गति हमेशा बनी रहे। टाइपिंग स्पीड बढ़ाना आजकल किसी की समस्या, हर टाइपराइटर यही चाहता है कि उसकी स्पीड बड़ी अच्छी। अच्छी टाइपिंग स्पीड के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना अनिवार्य है। अगर हम निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तो हमें हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज नहीं होगी। बिना अभ्यास के टाइपिंग स्पीड को बढ़ाना कठिन है। आजकल लोग अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में और कुछ लोग ऑनलाइन ही टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे साइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप कुटीदेव, मंगल फॉन्ट, मंगल स्क्रिप्ट और इंग्लिश चार लैंग्वेज का टाइपिंग आप बड़ी आसानी से अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं। साथ ही इसमें आप टाइपिंग के दौरान आप अपनी नेट स्पीड, एक्यूरेसी और एरर चेक कर सकते हैं। इस साइट में आपको हिंदी, अंग्रेजी, कुटीदेव टाइपिंग को काउंट भी कर सकते हैं। आपने कितने शब्दों को टाइप किया, इस साइट में आपको कन्वर्टर भी दिया हुआ। आप कुटीदेव को मंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मंगल फॉन्ट को कुटीदेव में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे कहीं भी बड़ी आसानी से कॉपी पेस्ट या फिर वर्ड में सेव करके या फिर नोटपैड में सेव करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देख रहे हैं मैंने एक कीबोर्ड ले लिया है। यहाँ पर ये फंक्शन की है, ये न्यूमेरिकल कीबोर्ड, ये लेआउट है। इस लेआउट पे टाइपिंग करने के लिए हमें अपने हाथों को इस तरह से रखना है। अब इस तरह से जो हमने हाथों को रखेंगे तो ये पहली उंगली जे पर, ये दूसरी के पर, ये तीसरी एल पर और ये सेमी कॉलन पर। उसके बाद लेफ्ट हैंड को पहली उंगली एफ पर, दूसरी डी पर, तीसरी एस पर और ए पर रखें। मतलब हम लोगों को कीबोर्ड में इस तरह से हाथ रखना है, ठीक है। और टाइपिंग करते वक्त हमें इस उंगली से इधर और इस हाथ से इधर हमें टाइप करना है। टाइप करते वक्त हमें इस तरह से और इस तरह से ये मोमेंट फील कराना है, ठीक है। हाथों को कभी हम इस तरह से ढेस नहीं लगाएंगे, हमेशा उठा कर रखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम किसी वर्ड को टाइप करते हैं, के आई एस एस ए एन जी ए एन जे टाइप करते हैं, हमें स्पेस सिर्फ इस उंगली से करें हमेशा, और इसको हमेशा आप बनाए रखें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर ये मोमेंट आपको एडिक्ट हो जाएगी और आप आराम से हिंदी पर टाइपिंग कर पाएंगे।
आप अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप से किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है। अब क्रोम ब्राउजर के एड्रेस बार में हम dmut.in/hindi-typing-text-online टाइप करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक साइट ओपन हो चुकी है। इस साइट में आप यूनिकोड मंगल टेस्ट टाइपिंग, कुटीदेव देवलिस टाइपिंग टेस्ट और हिंदी स्क्रिप्ट टाइपिंग टेस्ट कर सकते हैं। इस साइट में इंग्लिश में भी टाइपिंग टेस्ट किया जा सकता है। साथ ही इस साइट में हिंदी वर्ड काउंटर भी उपलब्ध है। इसमें आप मंगल, कुटीदेव और इंग्लिश तीनों का वर्ड काउंट कर सकते हैं। इस साइट में हिंदी फॉन्ट कन्वर्टर की सुविधा उपलब्ध है। आप कुटीदेव से यूनिकोड कन्वर्ट कर सकते हैं और यूनिकोड को कुटीदेव में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही इस साइट में एमएस वर्ड की जानकारी हिंदी में उपलब्ध है। जो लोग नए कंप्यूटर सीख रहे हैं और टाइपिंग कर रहे हैं वो एमएस वर्ड की जानकारी हिंदी में यहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इंटर योर नेम पर अपना नाम टाइप करना है और किसी भी एक टाइपिंग जिस पर आप टाइपिंग करना चाहते हैं उसमें आपको क्लिक कर लेना है। आप देखेंगे आपके सामने एक इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप मंगल फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ लेसन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लेसन मौजूद है। आप चाहें तो प्रतिदिन एक लेसन को लेसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर टाइम 2 से लेकर 30 तक दिया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रतिदिन 10 मिनट का टाइमिंग लगाकर ही टाइप करें। टाइम लेफ्ट में जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको रिमेनिंग टाइम प्रदर्शित होगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिखाई देगा। यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और आपको टाइपिंग शुरू करना है। शुरू करते ही आपको यहाँ पर क्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, एक्यूरेसी और एरर बताया जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर लेसन 1 आ चुका है। यहाँ पर प्रकृति पीले रंग से घिरा हुआ है। आपको इसे टाइप करना है। जैसे ही आप सही सही टाइपिंग करेंगे, जैसे मैं प्रकृति को टाइप करता हूँ तो यहाँ यह प्रकृति खुद ब खुद ग्रीन हो जाएगा। आप देखिए ये मैंने प्रकृति टाइप कर दिया। स्पेस दबाते ही यह ग्रीन हो गया है। इसका मतलब है कि आपने यहाँ सही टाइपिंग किया है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि आप टाइपिंग शुरू करते ही आपको यहाँ ग्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, एक्यूरेसी और एरर दिखाई देगा। यहाँ पर अभी 0 एरर है। मैं यहाँ मे को गलत टाइप करूँगा। आप देखेंगे गलत टाइप करने पर क्या होता है। ये रहा, मैंने यहाँ बिंदु छोड़ दिया है। स्पेस करते ही मे का रंग ग्रीन नहीं हुआ, वह हरा रंग का नहीं हुआ। इसका मतलब है यह गलत टाइपिंग हो गई है। आप एरर में देखेंगे आपको राइट वर्ड इक्वल टू एरर वर्ड देखा गया, यानी मुझे मे लिखना था और मैंने मे लिखा है। यहाँ पर आपको क्रॉस स्पीड, नेट स्पीड, एक्यूरेसी और एक एरर दिखाएगा। इस प्रकार आप
सही टाइपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप हिंदी वर्ड काउंट भी कर सकते हैं, कुटीदेव या देवलेश आप टाइप करके वर्ड काउंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं, या कुटीदेव या यूनिकोड, यूनिकोड पर क्लिक करते हैं। अब हम यहाँ राम आम खाता है लिखते हैं। आप देखेंगे यहाँ मैंने राम आम खाता है लिख दिया है। यहाँ पर टोटल वर्ड काउंट 4, टोटल कैरेक्टर 16 और यहाँ पर कैरेक्टर विदाउट स्पेस 12, वाइट स्पेस 4 और एक पैराग्राफ दिखाया जा रहा है। आप इसे कॉपी करके किसी दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी फॉन्ट कन्वर्टर का एक फीचर उपलब्ध है। यहाँ पर आप कुर्तिदेव टू यूनिकोड कन्वर्ट कर सकते हैं और यूनिकोड टू कुर्तिदेव कन्वर्ट कर सकते हैं।